दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए रजा इंटीरियर यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक LED TV यूनिट डिज़ाइन जो है वो कैसे बना सकते हैं। वुडन का जो LED TV यूनिट डिज़ाइन है वो आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैं आपको क्लोजली जो है वो दिखा रहा हूँ, तो पूरा इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर आप ये शेल्फ जो है वो देख सकते हैं और इसमें यहाँ पर दोस्तों शीशे को रोकने के लिए अलपत्ती जो है वो जो लगी हुई है आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर का जो बॉक्स है हमारा दोस्तों, ये जो बॉक्स हमारे बनाए हुए हैं, जो खाने बनाए हुए हैं, वो 1.5x1 के खाने बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 3 खाने एक तरफ है हमारे और 3 खाने जो 4 खाने एक तरफ हैं और 4 खाने दूसरी तरफ है हमारे दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको टोटली यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो शीशे की शेल्फें लगी हुई हैं उनको आप देख सकते हैं, 3 शेल्फ लगी हुई हैं जिसमें 4 बॉक्स हमारे बने हुए हैं, ठीक है। बीच में हमने जो LED यूज़ की है ऊपर की तरफ, तो छोटी छोटी CUV लाइटें हैं तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कपबोर्ड वाली लाइटें जो हैं वो यहाँ पर यूज़ हो रखी हैं, तो जो कि जैसे आप मतलब जो जहाँ पर आपका TV लगना है तो उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट डालती हैं ये लाइटें। तो उसके बाद में मैं बाद में आपको ये जला करके भी जो है वो दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लाइटिंग बोर्ड वगैरह आप सब देख सकते हैं, लाइट का बोर्ड किस तरीके से जो है वो फिट किया गया है। कहीं पर भी आपको जो है वो एक भी ग्रुप वाइज कुछ कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी। सरमाइका को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया है। LED के पीछे हमने रेड कलर की सरमाइका जो है वो लगाई है और क्रीम कलर की दूसरी वाली हमने शेड जो है वो दी है। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक लाइट हमने जो है CUV लाइट बॉक्स में दी है, जैसी हमने दूसरी तरफ दी थी तो वैसी हमने यहाँ पर भी दी है। और 3 शेल्फें बीच में लगाई हैं जहाँ पर हमने 1.5x1 के 4 खाने जो है वो बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, पूरा मैं बिल्कुल क्लोजली दिखा रहा हूँ क्योंकि फिनिशिंग वगैरह सारी आप इस में देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप वर्क कराना चाहते हैं तो किस रेट में आपको ये पड़ेगा, क्या रेट आपको लगेगा, तो दोस्तों पूरा इस वीडियो में लास्ट में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे पूरी जानकारी आपको दोस्तों मिल पाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये डिज़ाइन 1:1 करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और नीचे की तरफ मैं ले चलता हूँ आपको, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। 2 ड्रॉअर हमने एक साइड में लगाई हुई हैं और 2 ड्रॉअर दूसरी साइड में लगाई हुई हैं और 2 ड्रॉअर हमने बीच में लगाई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप दोस्तों अपना कोई भी सामान जो है वो छोटा मोटा सामान जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे अपना रिमोट वगैरह हो गया और कुछ टाइम के लिए आप TV जो है बंद कर दिया है और रिमोट वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे की तरफ 2 ड्रॉअर वगैरह दी गई हैं तो इसमें आप अपने ज़रूरी इलेक्ट्रिक सामान जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं, जो LED TV यूनिट से जुड़े हुए होते हैं आपके सामान जो भी है वो रख सकते हैं। यहाँ पर आपका आ जाता है डिस्क का जो है वो बॉक्स जो है वो आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके के ताकि दिखे ना, तो उसके लिए ये जगह जो है यहाँ पर एडजस्ट की गई है। उसका बोर्ड वगैरह भी लाइटिंग बोर्ड देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप डिज़ाइन इसको कर सकते हैं। दोस्तों ये हैंडल लगे हुए हैं जो कि 300 से 400 रुपये के आते हैं, तो ये SS के हैंडल होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ड्रॉअर जो है यहाँ पर दी गई हैं। दूसरी तरफ भी हमने रेड कलर वाली जिस तरीके से पहली तरफ फर्स्ट साइड में आपको दिखाई है, यानी राइट हैंड साइड में जो आपको ड्रॉअर दिखाई है, सेम वैसी हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगाई है। और ये वाइट कलर की सरमाइका इसमें दोस्तों बाहर की तरफ जो है यूज़ की गई है, अंदर डुको पेंट पूरा हो रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पूरा इस वीडियो में क्लोजली मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी ड्रॉअर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्लोजली आप देख सकते हैं ये भी ड्रॉअर दोस्तों आपके मतलब जो मर्ज़ी आप सामान देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि इसमें अभी जैसे हमने रिमोट रख रखा है, तो मतलब जो मतलब कुछ टाइम के लिए जिस सामान को आप यूज़ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक सामान जो है वो आप यहाँ पर ड्रॉअर वगैरह में रख सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ड्रॉअर दी हैं। और जो ऊपर की तरफ आपको जो दोस्तों मतलब शीशे वाली शेल्फें दी गई हैं, तो उसमें आप कोई भी मतलब फ्लावर वगैरह या पॉट्स वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ें जो है वो रख सकते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिक चीज़ें जो है होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मैंने डिज़ाइन आपको दिखा दिया है। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो दोस्तों प्राइस की अगर बात करें तो अगर आप इस काम को कराना चाहते हैं तो दोस्तों 700 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको ये चार्ज होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कराने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, और अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, रजा इंटीरियर 123 करके है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल